हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सिमर SKS व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपने पति के साथ ऑटो में लुधियाना जाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई काम है, वो काम करना है, तो मैं इनके साथ ही जाऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ आप। तो इन्होंने मुझे शॉपिंग भी करवाई है वहाँ पर, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सूट लेके दिए इन्होंने मुझे। तो दोस्तों, मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो मेरा काम हो गया था। तो फिर इन्होंने मुझे पहले चाय पिलाई, हमने दोनों ने चाय पी, उसके बाद फिर इन्होंने मुझे कहा कि सूट ले लो दो। तो मेरे को इन्होंने गर्मियों के सूट लेके दे दिए, और घर वाली मेरी जो चप्पल थी वो टूट गई थी, तो इन्होंने मुझे एक चप्पल भी लेके दी है। तो दोस्तों, अब घर भी हम उसी टाइम पे जाएंगे जिस टाइम पे ये पहुंचते हैं घर, क्योंकि कॉलेज की लड़कियों को भी लेना है। तो दोस्तों, ये काम करेंगे और मैं इनके साथ ही ऑटो में रहूँगी। आज बेटे की छुट्टी है, वो और पापा दुकान देख लेंगे। तो दोस्तों, गर्मी ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। मैं आई हूँ क्योंकि हम अंदर ही रहते हैं, हमें पता नहीं चलता गर्मी कितनी पड़ रही है बाहर। तो ये जो लोग बाहर मेहनत करते हैं उनको ही पता है। तो ना दोस्तों, आज मेरा मन किया कि आपसे ऐसे ही कुछ बातें करूं, क्योंकि ऑटो में हमें सफ़र करना है अभी। तो हमारी बातचीत हो रही है, ये मतलब अभी हमने बस कॉलेज पहुँचना है, अभी हम जाना नहीं है। तो मैं अकेले नहीं, ऐसे ही मैंने सोचा चलो मैं अकेले बस में क्या जाना, मैं बस वगैरह में सफ़र नहीं करती, इनके साथ ही जाऊँगी। तो मैं ऑटो में आज इनके साथ साथ सफ़र करूँगी। तो दोस्तों, ये आते हैं डेली का, इनका 80 किलोमीटर पड़ जाता है। तो गांव से यहाँ तक आना, जो ना लोकल में लुधियाना के लोग हैं जो ऑटो वगैरह चलाते हैं, उनको तो अच्छी मतलब कमाई हो जाती है इनकम, क्योंकि वो लोकल चलाते हैं। उनका ऐसा है, सुबह सुबह वो काम कर लेते हैं, दोपहर को रेस्ट करके शाम को फिर निकल जाते हैं काम के लिए। तो जो गांव से इतनी दूर चल के जाएगा, क्या बेचारा कमाई करेगा, क्या बचाएगा। तो सिर्फ घर की कुछ मजबूरियां हैं जो इतनी दूर मेहनत करने इनको जाना पड़ता है। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं सच्ची में। मैं इनके साथ पहले भी कई बार गई हूँ, तो मैंने अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी सोचा कि आज शेयर करूँ कि सभी मेहनत करते हैं। मैंने यहाँ पे और भी लोग देखे जो मतलब स्टॉल लगाए हुए हैं, जिन्होंने जूस वगैरह के या किसी भी खाने की चीज़ के, है ना, इतनी गर्मी में खड़े हैं। कईयों का तो देखा मैंने, छत तक भी नहीं है, तो इतनी गर्मी में बेचारे खड़े हुए हैं सिर्फ पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए, है ना। तो ये मतलब इतनी दूर जाते हैं सिर्फ अपना परिवार पालने के लिए, चलाने के लिए। तो वैसे तो हमारे घर की दुकान भी है, तो दोस्तों उससे मतलब अकेली दुकान से ना गुजारा नहीं हो पाता। तो इधर भी ये आते हैं, तो बचता वैसे कुछ नहीं है, बस आई चलाई चलती है इससे। तो बोलते हैं घर में भी क्या बैठना है ना फ्री, तो मैं दुकान चला लेती हूँ, ये ऑटो का कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना, ये लुधियाना है दोस्तों, तो ये ना जो ऊपर पुल बने हुए हैं ना, ब्रिज बने हैं, इनका बहुत फ़ायदा हुआ है। ये बोल रहे थे मुझे, मतलब मेरे से बातें करते जा रहे थे हम दोनों, तो बोल रहे थे कि इनका ना इतना फ़ायदा है कि मतलब ना गर्मी नहीं लगती जहाँ जहाँ तक ये पुल बना हुआ है। तो वाकई में ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, अच्छा फील हो रहा था, तो हम जा रहे थे। तो दोस्तों, ये आपको बताऊँ, एक ना आंटी बेचारे ना बुजुर्ग से बैठे थे ऑटो में, उन्होंने बोला कि पता नहीं बुजुर्ग की साइड के, तो हिंदी बोल रहे थे बैठे थे। तो बोल रहे थे कि मेरे को ना किसी ऑटो वाले ने ना गलत रास्ते तक पहुँचा दिया, उन्होंने ना हॉस्पिटल जाना था, ग्लोबल हॉस्पिटल। तो हमें बड़ा आया कि ऐसे गलत कैसे उतार दिया है ना किसी ने। तो बेचारे बुजुर्ग है, वो खुद आंटी बोल रहे थे कि मैं हाय, मैं अगर गुम हो जाती तो फिर क्या होना था बेटा, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। हमने उनका एड्रेस पढ़ा, तो हमने उनको सही मतलब एड्रेस पर पहुँचाया इन्होंने। तो फिर अभी दोस्तों हमारा सफ़र जारी है, तो बने रहिएगा आप ऐसे ही मेरे साथ वीडियो में।
दोस्तों जब ना मैं वीडियो बना रही होती हूँ बाहर कहीं भी, तो ना मुझे भी अजीब लगता है, लोग ना देखने लग जाते हैं कि ये अकेले बात कर रहे हैं, तो देख के बड़ा अजीब सा लगता है। पर हमारा अब काम हो चुका है, अब हमें मतलब ऐसा नहीं लगता, थोड़ा बहुत तो लगता है ना। कई तो हंस भी पड़ते हैं ऐसे देख के कि हाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं ये। तो दोस्तों अभी हम लुधियाना में घूम रहे हैं, ये जहाँ तक फूल ऐसे आ रहे हैं। तो इस टाइम पे ना स्कूल के बच्चों को भी छुट्टी होती है ना, तो ये बोल रहे थे कि स्कूल के बच्चों का भी थोड़ा बहुत काम आ ही जाता है, कोई मतलब बच्चे मतलब चढ़ जाते हैं ऑटो में जिनको जिस एरिया में जाना होता है। ये बोलते थे मैं आता आता थोड़ा बहुत काम उसे भी चल जाता है, क्योंकि छुट्टी हो रखी होती है ना, क्योंकि ये 3 बजे ना, हाँ मतलब 2:30 बजे वहाँ से लुधियाना से चल पड़ते हैं, क्योंकि इनको ना मतलब आते आते 4:45 बज जाते हैं वहाँ जहाँ इन्होंने गांव में पहुँचना होता है, जहाँ कॉलेज की लड़कियाँ कॉलेज है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए 4:45 बजे तक ये यहाँ से 2:30 बजे 2:45 बजे निकल जाते हैं लुधियाना से। ये बड़े आंटी है, वो देखो कितने बुज़ुर्ग हैं, तो बेचारे रास्ता भटक गए। तो अब इनको हमने सही हॉस्पिटल जो इन्होंने जाना है ना, वो हमने इनको दिखा दिया है, तो राइट साइड में है। तो आंटी को बोला कि आप सड़क क्रॉस करके वहाँ पे चले जाना, वो सामने हॉस्पिटल है। तो ऐसे दोस्तों ये देखो लोग ऐसे बैठे हैं, तो छाँव नहीं होती, सर पे पेड़ की छाँव होती है। इधर देखो स्टॉल लगे हुए हैं, इतनी गर्मी है, ऐसे कमाई होती है दोस्तों, ऐसे कमाया जाता है पैसा। तो दोस्तों एक निग्रो ना हमारे ऑटो में बैठ गए, तो इंग्लिश हमें भाई इतनी आती नहीं है, मैं तो सच में बता रही हूँ, जितनी समझ आ रही थी तो उतना हमने उनको समझाया था, इतनी खास नहीं समझ आ रही थी। पर वो ये बात बोल रहे थे कि उन्होंने ना मुल्लापुर में मतलब कोई रेंट पे हाउस लेना है, मतलब कोई रूम लेना है बोल रहे थे। तो मैंने इनको समझाया फिर आप यहाँ पे ट्राई कर लो, तो मैं आपको नहीं अब बोल के थोड़ा थोड़ा टूटी फूटी सी इंग्लिश बोल ली थी, तो उनको समझ आ गया था। पर तो हमने बोला आप यहाँ उतर जाओ, तो वो यहाँ पर उतर गए थे। पर पहले तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम बता ही नहीं पाएंगे, इनको समझा ही नहीं पाएंगे, तो पर उनको समझ लग गया था, वो बोल रहे थे आई कैन अंडरस्टैंड। तो अच्छा हुआ कि हाँ इनको समझ लग गया था। तो दोस्तों एक ना लुधियाना से मतलब वापिस आते वक्त मुल्लापुर शहर आता है, तो वहाँ पे ना ब्रेड वाले भैया खड़े थे, तो ये इनसे ब्रेड लेके जाते हैं घर दुकान में रखने के लिए। तो यहाँ भैया खड़े थे, तो इन्होंने देखा कि, तो ये मुझसे भी पूछने लगे कि मतलब ले लें सामान,
तो मैंने भी इनको बोला कि ज़्यादा थोड़ा ले लो, तो ज़्यादा लगती है ब्रेड वगैरह ऐसे बन वगैरह, तो ले लिया था हमने सामान। यहाँ पर भी हमने सवारियाँ उतारी है, तो फिर हमने वापस जाना है। ये बोल रहे थे गुरुद्वारा एक रास्ते में आता है गुरुद्वारा साहब, तो हमें ना वापस आना पड़ा क्योंकि सवारियाँ आगे की थी, पीछे मुड़ के आना पड़ा फिर से। तो अगर मन में हो तो जाना चाहिए। तो ये मुझे लेके आए थे, मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं बनाई है, पता नहीं होता है ना कुछ बोले बाबा जी हुरी। तो फिर हमने यहाँ पे लंगर प्रसादा खाया और फिर हम दोस्तों गांव में आपको बहुत सारी खेतों में ऐसी मोटरें मिलेंगी चलती हुई पानी वाली, तो हम ना देख के पानी को ऐसे टूट पड़े पड़े पानी पे, ठंडा ठंडा पानी, तो हमने दोनों अपने बोतल भर ली पानी की। मैंने बोला कि घर में कौन सा फ्रिज में पानी रखा होगा, तो ठंडा पानी लेके चलते हैं, शहर को भी देंगे पापा को भी देंगे। तो इन्होंने तो यहाँ पर भी पी लिया था तो अच्छा लगा। तो अभी दोस्तों हम घर के बिल्कुल करीब ही है, तो ये देखो मैंने मोटर कैसे खा रखी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों।